जम्मू कश्मीर में चड्डा कैंप के पास आज सुबह करीब 4:15 बजे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल से भरी बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई शहीद हो गया और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सीआईएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बस में 15 जवान सवार थे, सभी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी करने जा रहे थे। इसी दौरान घात लगाए आतंकियों ने बस पर हमला कर दिया। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर लाल किले पर आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुवार को पीएम मोदी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश या समाज के लिए खतरा पैदा नहीं किया। वैश्विक द्वंद के बीच आज भी भारत विश्व कल्याण के बारे में ही सोचता है। पंजाब में कर्ज न चुकाने वाले करीब 930 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। वारंट जारी होने के बाद किसान समिति ने आंदोलन की चेतावनी दी है, वहीं सीएड और भाजपा ने गिरफ्तारी वारंट का विरोध किया है। अधीन सेवा चयन आयोग ने समूह ग की इस वर्ष होने वाली भर्तियों को कैलेंडर जारी दिया है। अधीन सेवा चयन आयोग ने समूह ग के इस वर्ष होने वाली भर्तियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग वर्ष 2022 में 14 भर्ती परीक्षाएं करेगा। अगर आयोग अपने कैलेंडर के अनुसार चला तो 9 भर्तियां पूरी होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं का इंतजार खत्म हो जाएगा। आईपीएल 2022 में एक बार फिर मुंबई इंडियंस को निराशा हाथ लगी। चेन्नई के सामने मुंबई ने 156 रन का टारगेट रखा था, जिसे टीम ने आखिरी गेंद पर 7 विकेट खोकर हासिल किया। आखिरी ओवर में टीम को 17 रन की दरकार थी, जिसमें धोनी ने आखिरी 4 गेंदों पर 16 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। जनता की आवाज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।